हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के सेशन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों केसेस पॉसिबल है। अगर 32,400 के नीचे जाता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और 33,100 के ऊपर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। आज का दिन अगर आप देखो, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में सेकंड हाफ में हाई से 50-60 पॉइंट का फॉल जरूर आया, लेकिन बैंक निफ्टी में फॉल नहीं आया और 33,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो काफी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। साइकोलॉजिकल लेवल 33,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये जो लास्ट स्विंग था यहाँ पर एग्जैक्टली इसने ब्रेक किया पहले और उसके बाद सपोर्ट लिया, और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पर एक पैटर्न बनाया इसने। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, और मैंने आपको कल ये ट्रेंड लाइन के बारे में बताया भी था कि ये ट्रेंड लाइन टूट सकता है। यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न क्लियरली बना सकता है। अब ये जो कैंडल का हाई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33,400 के ऊपर अगर जाने लगता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है और एक फ्रेश अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जिसमें 35,000-36,000 तक के टारगेट भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में 33,000 के आसपास अगर कोई भी डिप मिलता है, 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए 33,500 और 34,000 तक के टारगेट के लिए। हम लोग 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करते हैं। ये वाला कैंडल फर्स्ट कैंडल था और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया, एक छोटा सा डबल टॉप बनाया और वापस इसने फॉल दिया, इसलिए मैंने एक बाय पुट का भी ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी में, लेकिन उसमें 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली। निफ्टी में मैंने एक लॉट फ्यूचर सेल किया था 14,830-14,840 के आसपास, फिर मैंने उसको हेज किया और हेज करने के लिए मैंने 14,750 का पुट सेल किया, 14,800 का पुट सेल किया। ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बना, लेकिन काफी एडजस्टमेंट्स करने के बाद बना, क्योंकि मेरा एक फ्यूचर सेल था और दो स्ट्राइक प्राइस मेरे पुट सेल थे, तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा था फ्यूचर में लॉस हो रहा था और पुट में मुझे प्रॉफिट आ रहा था। सो ये थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ा, तभी जाके प्रॉफिट बना। अब 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर एक रेंज बन चुका है यहाँ पर, और ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको लास्ट 2-3 वीडियो में बताया, ये बार बार इसने बैंक निफ्टी यहाँ पर टेस्ट किया था 33,400, अगर आपको याद है 33,400 के ऊपर अगर निकलता है तो एक फ्रेश अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। हायर चांसेस है, जो ये गैप है ये गैप पूरा फिलअप कर सकता है। 34,200 तक के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। एग्रेसिव बाइंग 33,400 के ऊपर करेंगे, इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिलता है 33,000 के आसपास तो आप स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर एक ट्रायंगल बन रहा है, काफी कंसोलिडेशन कर रहा है निफ्टी और ये किसी भी तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेट कर रहा है, अभी एक और कैंडल मुझे लगता है फ्लैट बन सकता है या फिर ये कल सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, तो कल आपको सेकेंड हाफ में एक ट्रेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट हाफ में मुझे लग रहा है थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकता है और सेकेंड हाफ में एक वन साइडेड मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, ट्रेंडेड मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट भी देखो तो लास्ट 5 दिन का कैंडल देखो सेम लेवल के आसपास है, सेम लेवल के आसपास इसमें जिगजैग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, कुछ भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है निफ्टी में, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। निफ्टी में अभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बट बैंक निफ्टी में 33,400 के ऊपर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो क्वांटिटी कम करना, क्योंकि इसमें अभी भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बैंक निफ्टी 33,400 के ऊपर क्लियरली बुलिश हो सकता है 34,000-34,200 तक के टारगेट के लिए। निफ्टी आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसने पूरा ये गैप फिलअप किया है, उसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल हमें देखने को मिला है। निफ्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल एक ही लेवल है 15,000। 15,000 काफी साइकोलॉजिकल लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 15,000 के ऊपर जाता है तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, एक फ्रेश रैली हमें देखने को मिल सकती है, 15,400-15,500 तक के टारगेट भी पॉसिबल है। तो निफ्टी में आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, लेकिन 15,000 के ऊपर। बैंक निफ्टी में आपका व्यू बुलिश होना चाहिए 33,400 के ऊपर। अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना है, हेजिंग स्ट्रैटेजी सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, ओपन ट्रस्ट बिल्डअप सीखना है, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काफी नॉलेजेबल कोर्स है एट अ वैल्यूएबल प्राइसेस, अफोर्डेबल प्राइसेस, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेजिंग स्ट्रैटेजी सीख सके, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीख सके, ताकि वो लोग प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर सके। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। हमारे चैनल पे आपको डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड्स भी देते हैं। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।